गरीबी रेखा से बाहर आ गए क्या कोई? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से बच के रहो। यहाँ के लोग तो बचे हुए हैं, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ इससे अच्छा झूठ और इससे बड़ा झूठ कोई नहीं बोलता। राजनीति का अगर कोई उठा करके देख लोगे इतिहास, तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोलता। इन्होंने नौकरी की बात की, हमारे नौजवान जानते होंगे कहा कि करोड़ों नौकरी हम लोग साल में दिलवाएंगे। आज 10 साल दिल्ली सरकार के पूरे हो गए, उत्तर प्रदेश सरकार भी लगभग 2 साल पूरे कर रही है। हमारे नौजवान बताएंगे कितनी नौकरी और रोजगार मिल गए। और पढ़ाई का हिसाब किताब तो ये है कि आज के समय के हिसाब से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और उत्तर प्रदेश की जानकारी करोगे आप तो कम से कम 10,000 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें किसी ने एडमिशन नहीं लिया, इंटर कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले रहे हैं, पॉलिटेक्निक आईटीआई खाली जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खाली जा रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज की तो इतनी फीस बढ़ा दी है कि जहां कोई गरीब का बच्चा अगर एडमिशन पा भी लेगा तो फीस का इंतजाम नहीं कर पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था की है। पहले तो इतनी फीस नहीं लगती थी जितनी फीस आज ले जा रही है। हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी वो रास्ता अपनाएगी जो नेताजी ने कहा कि गरीब की पढ़ाई फ्री हो, सस्ती हो, क्योंकि जब तक सस्ती और फ्री नहीं होगी तब तक गरीब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। हम समाजवादी लोग इस दिशा में काम करेंगे जिससे गरीबों की पढ़ाई अच्छी हो, सस्ती हो और उन्हें एडमिशन लेने में भी सुविधा देने का काम हो। अभी